गाइस, कैसे आप सभी? आई होप कि सभी मजे में होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मिथ ग्रे निंजा में। तो आज आ गया है मून शैडो जेड एयर का इवोल्यूशन का वीडियो, जो मैंने कहा था कि वो वीडियो मैं बनाऊंगा। और मैंने 800 सेलिब्रेशन में वो पोकेमोन लिया था, बट गाइस उसका इंटेंस लेवल हमें 30 करना था, तब जाकर वो इवोल्यूशन हो पाएगा। मैंने उसका इंटेंस लेवल 30 कर दिया। और गाइस मेरे पास माइथिकल शेड भी नहीं थे, तो मैंने वो कलेक्ट किया बहुत दिनों से। तो मैंने 200 कलेक्ट वो कर लिए टोटल, क्योंकि गाइस अगर एक बार मैं इवोल्यूशन करूँगा तो 100 मेरे माइथिकल शेड लग जाएंगे, इसलिए मैंने 200 कलेक्ट कर लिए। तो चलो गाइस अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ यार दोस्तों सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा देना। और चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये रहा गाइस मेरा मून शैडो जेड एयर, और इसका मैंने लेवल 76 कर दिया है। इसका इंटेंस लेवल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा गाइस इसका इंटेंस लेवल 46 कर दिया है। काफ़ी दिनों से मैं इसको कर रहा हूँ इंटेंस लेवल। वैसे इसका 30 करना था तो ये इवॉल्व हो सकता है, बट मेरे पास माइथिकल शेड नहीं थे और मैंने उसको टूर पे भी डाल दिया था। और यहाँ पर मैंने इसका एफर्ट वैल्यू भी गाइस दिया, देखो 301 कर दिया टोटल। इसका इंडिविजुअल वैल्यू मैं नहीं बढ़ा पाया हूँ, अभी मुझे वो डीटो लेना होगा तभी मैं इसका इंडिविजुअल वैल्यू पर्पल कर पाऊँगा। और यहाँ पर मैंने ये रन भी अच्छे वाले लगा दिए, वो तो मैंने आपको रन की वीडियो में दिखाया ही था कि मैंने रन बहुत ही अच्छे लगाए इस मून शैडो जेड एयर में। और रन का एन्चेंटमेंट भी कर दिए। और यहाँ पर ये आई जंप किक और ये शैडो फ्रैक्चर ये अटैक मैंने लिए। तो चलो गाइस अभी इसको इवॉल्व करते हैं और फिर इसकी बैटल देखेंगे कन्वर्जन होने के बाद। कन्वर्जन के लिए तो सिर्फ डायमंड ही चाहिए हमें, कि मैंने इसका कन्वर्जन स्टोन तो ले लिया, बस इसको डायमंड से हमें एक्टिवेट करना है। तो हम इसको 2 स्टार तक इवॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर पहली बार इसको इवॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैंने इसको दबा दिया है इवॉल्व पर, और ये हो गया इवॉल्व 1 स्टार मून शैडो जेड एयर 1 स्टार। 1 स्टार होकर इसमें काफ़ी ये इफेक्ट्स आ रहे हैं इस पोकेमोन में। तो अभी 2 स्टार करते हैं, तो 2 स्टार करने पर भी बहुत सारे इफेक्ट आते हैं, ये फायर वाला इफेक्ट लगता है। तो अभी मैंने गाइस दूसरी बार भी इवोल्यूशन इसका कर दिया है, तो ये बन गया है मून शैडो जेड एयर 2 स्टार। तो अभी गाइस हम इसको कन्वर्जन करेंगे, फिर ये गाइस लास्ट में ये बन जाएगा मून शैडो जेड एयर फ्लरी। तो इसको एक्टिवेट कर देते हैं कन्वर्जन स्टोन को, 500 डायमंड लग जाएंगे। तो गाइस फाइनली ये बन गया है मून शैडो जेड एयर फ्लरी, काफ़ी बेस्ट लग रहा है। ये देखो ये कन्वर्जन हुआ तो इसकी स्किन यहाँ पर आ गई, यहाँ पर ये पिकाचू बना हुआ है, तो इसकी स्किन ये थी कन्वर्जन वाली, यहाँ पर ये आ गई है। चलो गाइस अभी इसका देखते हैं फाइट, पहले हम इसका लेवल बढ़ा देते हैं। तो गाइस अभी बैटल स्टार्ट हो गई है चैप्टर 13 की, मैंने चैप्टर 13 की बैटल स्टार्ट की है। और यहाँ पर ये पोकेमोन आ गया जिसका नाम है स्लो ब्रो, और ये हमारे पास है मून शैडो जेड एयर फ्लरी। तो चलो अभी इसको शैडो फ्रैक्चर करते हैं। और भाई एक ही बार में गया, इसका 80 लेवल है और मेरा 76 है, 4 लेवल मेरा कम है, उसका 4 लेवल ज़्यादा है मुझसे। और ये हाई जंप किक करते हम, और ये एक बार पड़ी इसको, और ये दूसरी बार भी पड़ी, 2 बार पड़ी और ये ढेर हो गया गोल्डक। ओ यहाँ पर आ गया आर्कनाइन जो कि फायर टाइप, तो इसको करते हैं शैडो फ्रैक्चर। बट शैडो फ्रैक्चर नहीं, 2 बार यूज होता है शैडो फ्रैक्चर, और ये डिसेबलेड हो गया, तो इस पर भी, तो इसने भी मुझ पर कोई अटैक किया, मैंने पढ़ा नहीं वो। इसको करते हैं आई जंप किक, आई जंप किक इसको बहुत ही पड़ रही है। और दूसरा लास्ट पोकेमोन बचा है जिसका नाम है रैपिडैश। ओके तो इसको शैडो फ्रैक्चर करते हैं, और ये एक बार पड़ा इसको शैडो फ्रैक्चर, और ये दूसरी बार, और ये इसने कुछ किया, बर्न हो गया मेरा पोकेमोन, जलने लगा।
अभी इसको हाई जंप किक करते हैं। और ये हार गया और ये हम बैटल जीत गए। तो एक बार फिर से गाइस करते हैं बैटल इस वाले से चैप्टर 13 के लास्ट लेवल में। चलो प्ले करते हैं इसको। तो यहाँ पर गाइस ये ड्रैगोनाइट आ गया है और हमारा मून शैडो जेडआर भी आ गया। इसको कहते हैं शैडो फ्रैक्चर। और इसको एक बार पड़ी और ये दूसरी बार भी पड़ी शैडो फ्रैक्चर। और इसने ड्रैगन डांस किया है और इसका अटैक स्पीड ये दोनों बढ़ गए, +1 हो गए। तो फिर से हम करते हैं इसको शैडो फ्रैक्चर और ये दूसरी बार डेयर हो गया। मेरा बिल्कुल भी वो HP डाउन नहीं कर पाया। यहाँ पर गाइस टेंटाक्रूल है तो इसको भी हम शैडो फ्रैक्चर करके मैंने डेयर कर दिए। और ये 6 पोकेमोन की बैटल है तो 2 तो पोकेमोन तो गए। और यहाँ पर आ गया स्नोरलैक्स और इसको हाई जंप किक करते हैं। और ये भाई बहुत ही इसको इफेक्ट पड़ी, जोर जोर की पड़ी भाई स्नोरलैक्स को। और यहाँ पर विनोसोर आ गए और इसको भी शैडो फ्रैक्चर हमने दे दिया। और ये दूसरी बार ज़्यादा शैडो फ्रैक्चर ने कुछ बिगाड़ा नहीं उसका। और इसने ली सीड कर दिए ताकि वो HP ले सके मेरी। ये तो भाई बड़ा गंदा अटैक कर दिया तूने, मेरी HP लेकर तू क्या करेगा। वो भाई प्रोटेक्ट कर रहा है बट शैडो फ्रैक्चर से तो प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाएगा। ओके तो अभी RK9 फिर से आ गए। इसको हाई जंप किक करते हैं। इसको हाई जंप किक से बहुत ही ज़्यादा HP डाउन होता है। इसकी आधी HP तो मैंने कर दी और इसने मुझ पर कौन सा अटैक किया वो मैं जान ही नहीं पाता। ओके अभी शैडो फ्रैक्चर करते हैं। और यहाँ पर ये एक बार पड़ गया और दूसरी बार भी पड़ गया और इसका अटैक भी सबलेट हो गया। तो उसने कुछ अटैक किया बट वो फेल हो गया उसका अटैक क्योंकि मैंने उसका डिसेबलेट कर दिया। ये सही है भाई। अच्छा तो भाई आखिरी पोकेमोन बचा है, देखते हैं। ये तो है रॉक और फ्लाइंग टाइप जिसका नाम है एरोडैक्टिल। इसको भी हम शैडो फ्रैक्चर करते हैं पहले तो ताकि वो हमें ना मार पाए कोई अटैक। इसको मैंने डिसेबलेट कर दिए और इसने मुझे लगता है क्रंच किया है। और मेरा HP भाई बिल्कुल भी रखा नहीं इसने, साथ में ली सीट का भी इफेक्ट चल रहा था इसलिए। बट कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छा किया मून शैडो जेडआर ने, 5 पोकेमोन्स को मार दिया और आखिर में इस एरोडैक्टिल की HP भी रेड कर दी, तब जाकर वो मरा है। बहुत ही अच्छे मून शैडो जेडआर, तुमको सल्यूट है मेरा। और भाई अभी ग्रे निंजा कर देगा इसका काम तमाम सिर्फ एक स्केल्ड से, सिर्फ एक स्केल्ड से इसका काम तमाम। चलो बाय बाय एरोडैक्टिल भाई। तो मैं बैटल तो बहुत ही अच्छी रही, मून शैडो जेडआर काफ़ी बेस्ट पोकेमोन है, उसने 5 पोकेमोन्स को ढेर कर दिया और आखिर में जो लास्ट पोकेमोन था उसका भी HP रेड कर दिया। बट वो ली सीड के कारण उसका HP डाउन हो गया वरना वो जीत जाता। मून शैडो जेडआर कन्वर्जन होने के बाद और ज़्यादा वो पावरफुल हो गया है, बैटल करने में तो भाई बहुत ही मज़ा आ गया। वैसे गाइस ये मेरे पास नहीं है जो कन्वर्जन वाला अटैक, ये माउंटेन स्काई फूट, ये मुझे इवेंट में मिल रहा था इसके, बट मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरे पास वेस्ट टिकट नहीं थी। मेरे पास ये वाला अटैक है इसका, ये एक्सक्लूसिव वाला, बट ये कन्वर्जन वाला नहीं है। मैंने एक अटैक तो ले लिया था मून शैडो जेडआर का शैडो फ्रैक्चर, ये कन्वर्जन वाला नहीं है, वो कन्वर्जन वाला है, फर्क इतना ही है। तो जब भी इसका इवेंट आएगा तब मैं वो कन्वर्जन वाला अटैक ले लूँगा। वो माउंटेन स्काई फूट भी काफ़ी बेस्ट अटैक है और ये काफ़ी बेस्ट लग रहा है, इसके इफेक्ट काफ़ी मस्त हैं, ये फायर निकल रहा है इसमें से। तो गाइस इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा देना, बिना सब्सक्राइब किए मत चले जाना, और लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।